गुड आफ्टरनून सो नेक्स्ट स्टोरी डिनर फॉर द बॉस बाय भीषम सानी सो दिस इज़ अ स्टोरी ट्रांसलेटेड स्टोरी ये औरिजनली हिंदी में लिखी गई है चीफ की दावत और ये आपके कोर्स में डिनर फॉर द बॉस के टाइटल से है सो भीषम सानी वॉज ऑल्सो बॉर्न वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान रावुलपिंडी में जैसे मुल्क राज आनंद जो प्रीवियस राइटर थे इन्हें भी साहित्य अकादमी वो अवार्ड मिला इनके नावल तमस के लिए शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे प्लेज भी लिखते थे एंड नोन फॉर अ रियलिस्टिक एंड डीपली एनालिटिकल पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी समाज में जो क्या है एक यथार्थवादी राइटिंग जो एक्चुअल समाज में जो रियालिटी है रिश्तों की और जो क्या है उसका एनालिसिस अपनी कहानियों और लिख uh, राइटिंग्स के द्वारा देते थे कई अवार्ड जीते हैं पद्म भूषण इंक्लूडिंग और अब चीफ की दावत पे आते हैं जो डिनर फॉर द बॉस सो इट्स अ स्टोरी अबाउट बेसिकली अगर प्लाट पे देखें हाउ सिंपल एंड इलिटरेट ओल्ड वुमेन हु सेल्स अरनमेंट फॉर तो कहीं ना कहीं यूरो इट्स अ स्टोरी अबाउट मेन थीम अगर आप देखिए इट्स अ स्टोरी अबाउट जनरेशन गैप जो अलग अलग पीढ़ियों में एक गैप आने लग जाता है एक तरफ ट्रेडिशंस परंपराएं और दूसरी तरफ मॉडर्निटी जैसे जो शायद आपने आसपास भी आप देख सकते हैं पिछले पाँच दस साल में भरमौर ये सब कितना बदला हो गया जैसे जैसे फ़ोन नेटवर्क इंटरनेट आया करते करते जो आपके पुरानी जनरेशन और अब जो आप लोग हैं सो देर इज़ अ बिग चेंज सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी तो इसमें प्रोटैगनिस्ट क्या है एक बूढ़ी औरत है और उनका उनका एक बेटा है उनकी पत्नी है तो क्या है उनकी जो माँ है शी इज़ अ सिंपल एंड इलिटरेट ओल्ड वुमन पंजाब से और उन्होंने क्या है अपने बेटे के एजुकेशन के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे लेकिन वही माँ अब क्या है जब बेटा आगे बढ़ चुका है शादी कर चुका है तो वही माँ अब उन पर क्या है उनके लिए एक बर्डन एंड एन एम्बारसमेंट उनके लिए एक शर्म का स्रोत बन चुकी है एक उनके लिए बोझ बन चुकी है क्योंकि अब उन्हें उन उसी माँ से शर्म आती है कि वो अनपढ़ हैं एसेट्रा और उनके बॉस के सामने वो क्या हरकतें करेंगी तो शामनाथ है जो लड़के का नाम और उनके अमेरिकन बॉस आ रहे हैं उनके डिनर के लिए वो किसी कंपनी में काम करते हैं और अमेरिका से बॉस आए हैं जिनको उन्होंने दावत हुए बुलाया है और उनके बीवी और जो शामनाथ वाइफ एंड शामनाथ आर यू नो पूरी कोशिश में लगे हैं कि, कि किसी तरह बॉस को पटाया जाए ताकि उसे प्रमोशन मिले तो वही है ये जो डिज़ायर टू बी कंसिडर फ्राम हायर सोशल स्टेटस यानी समाज में अपना आपको वर्ग आगे बढ़ाना है हायर क्लास में जाना है तो इसी के चलते ये जो नई जनरेशन की जो इच्छाएं हैं उसको क्या है कंट्रास्ट किया गया है उसकी माँ के जो पुराने सोच और मैनरिज्म से तो इस सब के चलते ये प्रोग्रेस जो विकास चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में एक नया जॉब चाहते हैं ज़्यादा सैलरी चाहते हैं प्रमोशन चाहते हैं इस सब के चलते क्या है ये अपनी माँ को एक अननेसेसरी यूजलेस थिंग के नाम पे देखने लग जाते हैं जिन्हें क्या है कहीं ना कहीं बिस्तर के नीचे या फिर किसी अलमारी में वो छुपा के रख पाएँ कम से कम जब तक डिनर पार्टी ख़त्म ना हो जाए तो इस कहानी की दे बेसिकली जब डिनर फॉर द बॉस बॉस को बोला सेंट्रल प्रॉब्लम जो प्लॉट में क्या है यही है कि माता जी का क्या किया जाए उन्हें कहाँ छुपाया जाए अगर वो बॉस के सामने आ गई उनके कुलीग्स के सामने आ गई तो क्या है अपने शायद पिंडू या देसी तरीके से कुछ ऐसा बोल दे जिससे सबको शर्म आ जाए तो दिस एबसेंस ऑफ लव ये जो क्या है प्रेम या फिर रिस्पेक्ट का अभाव है तो ये एक बड़ा कंट्रास्ट है दूसरी तरफ माँ है जो अब भी, भी बिल्कुल सेल्फलेस है और वो क्या है हालांकि उनकी आंखें खराब हो रही है फिर भी वो मान जाती है बॉस के लिए एक फुलकारी बनाने के लिए ताकि क्या है उसके लड़के को एक प्रमोशन मिल जाए एक अच्छा भविष्य मिले जैसे पहले उन्होंने बचपन में किया था सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ द जनरल समरी ऑफ द स्टोरी एंड नाउ लेट्स मूव ऑन तो जैसा मैंने कहा था आपको अब से हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आई एम जस्ट गो थ्रू पेज बाई पेज सो पेज फिफ्टी थ्री हाउ द स्टोरी स्टार्ट तो अगेन सेटिंग बनाई जा रही है बॉस को पहली सेंटेंस में आपको बता दिया गया है कि मिस्टर शामनाथ के घर पे आज शाम को बॉस को बुलाया गया है और शामनाथ और उसकी पत्नी क्या है बिल्कुल मेहनत में है पसीने से लथपथ बिल्कुल अभी तैयार भी नहीं हुए ढंग से शामनाथ क्या है स्ट्रेस में है एक के बाद एक सिगरेट पी रहा है और एक लिस्ट है उसके हाथ में कि अभी क्या क्या कार्य बचे हैं क्या क्या करना है जैसे जैसे क्या है पाँच बजते हैं प्रेपरेशन्स तैयारियाँ हो कम्प्लीट हो रही है हर जगह कुर्सियाँ टेबल स्टूल्स नैपकिन फूल ड्रिंक्स सिटिंग रूम में ड्रिंक्स होंगे वराना में खाना होगा ये सब चीज़ें क्या है चलते जा रहे है जो फालतू की जो डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं नेसेसरी दे आर बीइंग हिडन कहीं कबर्ड में या कहीं बेड के नीचे फ़ालतू चीज़ों को रखा जा रहा है और इसी के बीच में क्या है शामनाथ के दिमाग में जो सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है वॉट टू डू विद मदर माता जी का क्या किया जाए फालतू चीज़ें तो हमने हटा दी अब लेकिन माता जी को कहाँ छुपाएं ना इधर ही नॉर्थ केपेबल वाइफ एट डायरेक्टेड देर अटेंशन टू दिस मैटर अब तक ये क्या है ये मैटर उनके दिमाग में आया नहीं था लेकिन अब दोनों ही इंग्लिश में अब ये भी देखिए राइटर आपको बता रहा है कि शामनाथ और उसकी पत्नी इंग्लिश में बात करते हैं वॉट कैन वी डू विद मदर हम माता जी के साथ क्या किया जाए सो so, ये भी क्लास की बात है जैसे हमारे देश में इंग्लिश वॉज आर रूलर्स लैंग्वेज कलोनियल ब्रिटिश लैंग्वेज तो एक अभी तक है वो क्लास वाली चीज़ की अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं सडनली यू आपका यू कैन एस्पायर टूवर्ड्स अ हायर क्लास एक ऊंचे वर्क की तरफ आप जा सकते हैं सो नोटिस ऑल दीज डिटेल्स मिसिज श्यामनाथ पॉज डिनर वर्क एंड आफ्टर कंसिडरिंग फॉर वाइल सी सेड ऐसा करते हैं उससे क्या है अपने उनके जो मित्र हैं उनके घर भेज दीजिए आज वो वहीं पे रुक जाएंगी और कल माता जी आ जाएंगी शामनाथ इस पे क्या है सिगरेट पी रहा है उसके मुंह से सिगरेट लटकी है और फिर बोलता है नहीं नहीं वो जो उनकी जो मित्र है जो बूढ़ी औरत है फिर क्या है अगर आज हमने माता जी को उनके घर भेज दिया तो फिर वो भी यहाँ पर आने लग जाएगी फिर से बड़ी मुश्किल से तो उनको उनका यहाँ आना जाना हमने रोका है सो so, ठीक है देखते हैं हम क्या करते हैं शुड जस्ट टेल मदर टू ई टर्ली एंड गो टू रूम तो जैसे होता है ना बच्चों के बारे में हम बात करते हैं कि हाँ गेस्ट आने वाले हैं बच्चे तंग करेंगे तो जल्दी से माता जी को खाना जल्दी खिला के हम उनके उन्हें कमरे में बंद कर देंगे गेस्ट तो क्या है आठ बजे आएंगे उससे पहले हम उन्हें फारीक कर देंगे इट वॉज़ अ गुड सजेशन दोनों को अच्छा लगा और फिर लेकिन क्या है बात अगली बात आती है मिसिज शामनाथ पत्नी बोलती है इफ़ शी गोज टू स्लीप एंड स्टार्ट स्नोरिंग देन वॉट अब क्या है शायद खासकर बुढ़ापे में लोगों को खराटे आती बड़ी ज़ोर जोर से तो अब ये भी एक दुविधा है कि अब अगर माता जी अगर हमने बोल दिया माता जी को कमरे में जाके सो जाए और अगर वो सो गई और खराटे लेने लग गई तो फिर क्या करेंगे क्योंकि लोग तो बिल्कुल उनके कमरे के साइड में वरांडा में खाना खा रहे होंगे हुं। फिर क्या कहता है शामनाथ तो हम उन्हें बोलेंगे आप अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो हम वो दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेंगे और आई एल्टेट टू गो इन साइड बट नॉट टू स्लीप अंदर जाइए आप अपने कमरे में लेकिन सोइएगा नहीं जगह रहिएगा बस लेकिन अंदर रहिए कमरे के तो ये सब चल रहा है बट फिर और भी है पत्नी क्या बोलते हैं एंड इफ शी शॉट ऑफ नॉट लेकिन अगर उन्हें नींद आ गई तो क्या पता डिनर कब तक चलेगा तुम लोग वैसे ही ग्यारह बजे तक दारू पीते रहते हो यू ड्रिंक सो शामनाथ बिकेम ए लिटिल इरीटेटेड ही फ्लंग अप इज़ हैंड्स अपने हाथ खड़े वो कहता है कि वो तो अपनी माँ हमारी माता तो क्या है मेरी माँ तो वैसे ही भाई के पास जाने वाली थी तुम ही को क्या है नाटक करना था कि मैं कितनी अच्छी हूँ तो इसलिए माता जी को हमारे साथ रखिए तो अब बिल्कुल जो सामाजिक जो ये जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हमारे समाज में हम देखते हैं कि क्या है जब जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते तो, तो भाई के परिवार आपस में लड़ने लग जाते नहीं तुम ख्याल रखो नहीं तो जैसे बागबान जो एक मूवी बनी है वो पूरे इस प्लॉट इसी के बारे में है ना सो वाह एंड शुड आई शो माई सेल्फ इन अ बैड लाइट बाई इंटरफेयरिंग तो क्या है मैं बुरी बन जाऊँ अब माता को यहाँ से निकाल के लोग क्या बोलेंगे और जो मैंटैलिटी होती है हमारे समाज में कि लोग क्या बोलेंगे ये नहीं कि माता जी को आप प्यार करते या आदर से रखना चाहते नहीं इसलिए आप उन्हें अपने घर में रख रहे कि लोग क्या बोलेंगे अगर निकाल दिया तो सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन मिस्टर श्यामनाथ केप्ट क्वाइट दिस वॉज नो टाइम टू आर्ग अभी भैंस का कोई फायदा नहीं था काम की बात थी क्या कि माता जी का क्या किया जाए टू फाइंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम सो ही टर्न टू इज मदर विच ओपन टू द वरेंडा आई हैव एन आइडिया एंड ई वॉक डोर टू डोर वे अब माता जी के वो कमरे में जाते हैं माता जी के अगर ये सिटिंग इन साइड ऑन वुडन तख्त पुशिंग अगेंस्ट पुश्ड अगेंस्ट द वॉल दुपट्टा रैप्ड अराउंड है टेलिंग हर प्रेयर बीड्स अपनी माला जप रही थी वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ के हैविंग वॉश्ड ऑल द प्रेपरेशन सिंस द मॉर्निंग हर हार्ट वॉज थम्पिंग वो भी क्या है शुरुआत सुबह से देख रही थी कि उनके उसके बेटा और उसकी बहू दोनों तैयारियों में लगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक नर्वस थी उनका हार्ट वॉज ऑल्सो थम्पिंग क्योंकि क्या है बड़ा साहिब आ रहे हैं बेटे के ऑफिस से वो चाहती थी सब कुछ ठीक रहे अब क्या है आता है शामनाथ और माता जी से बात करता है मदर टुडे यू ईट अर्ली द गेस्ट विल कम एट हाफ पास सेवन साढ़े सात क्या है गेस्ट आ जाएंगे तो माता जी आज आप क्या है जल्दी खाना खा लीजिए माता जी धीरे से अपना दुपट्टा हटाती है चेहरे से और कहती है आई वोंट ईट टुडे बेटा यू नो दैट आई डोंट ईट एनी थिंग वन मीट एंड फिश आर आ इन द हाउस अब वही जो बार बार इन पॉइंट से आपको राइटर दिखाना चाहता है कि माता जी पारंपरिक ट्रेडिशनल धार्मिक बैकग्राउंड से है और शामनाथ और क्या है उसकी पत्नी अब क्या है थोड़े मॉडर्न है इंग्लिश में बात करते हैं ये सब दारू पीते हैं स्मोक करते हैं आई वोंट ईट क्या है आज मैं बेटा मैं नहीं कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि आज तुम लोग क्या है घर में मीट और फिश बना रहे हो तो इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगी वॉट ठीक है जो भी जस्ट ऑल गेट टूदर डूर जो भी तुम्हें करना है उसे बस जल्दी ख़त्म करो और फिर अपने कमरे में रहो ठीक है बेटा and mother first we'll be in the sitting room for that time you sit on the veranda then we come out here you go to the bathroom to the sit oh, कि माँ माँ पहले क्या है हम लोग सिटिंग रूम में बैठे होंगे तब आप अपने कमरे में रहेगा वरांडा में रहिएगा फिर जब हम वरांडे में आएंगे तब आप चुपचाप से पीछे के रास्ते से बाथरूम होते हुए फिर दूसरे कमरे में चले जाएंगे तो बिल्कुल भी चाहते कि ऐसा पता ही नहीं लगे कि माता जी नाम की कोई इस घर में है भी हिज मदर लुक डैट थिम स्पीचलेस अब इसकी माता को भी थोड़ा शौक लगा है कुछ बोल नहीं पा रही है लेकिन फिर चुपचाप से वो कहती है ठीक है बेटा वेरी वेल एंड मदर डोंट गो टू स्लीप अर्ली today. The द साउंड ऑफ़ snoring स्नोरिंग कैरीज़ अ लॉन्ग वे तो वही दिक्कत जो पहले जो बोला था कि आज जल्दी मत सोना चुपचाप अपने कमरे में बैठेगा लेकिन सोइएगा मत नहीं तो क्या है आपकी खराटे का आवाज़ तो क्या हर जगह जाती है हिज मदर सेड rather अशेमली "What कैन आई डू बेटा इट्स नॉट इन माई कंट्रोल खराटे लेना मेरे कंट्रोल में तो है नहीं और अब नींद आ सक आए तो क्या करूँ एवर सिंस आई रोज फ्रॉम माई सिकनेस जब से मैं ठीक हुई हूँ हु, मैं ढंग से अपने क्या है सांस नाक से नहीं ले पाती हूँ मुंह से लेती हूँ और इसीलिए खराटे आते हैं ठीक है मिस्टर शामनाथ हैड फिक्स मैटर्स बट ही व स्टिल नॉट एट इज लेकिन अभी भी क्या है उसको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी शामनाथ को अगर बॉस एकदम से क्या है दूसरे रास्ते चले गए फिर क्या होगा कम से कम देर वुड बी एट टू टेन गेस्ट आठ दस गेस्ट होंगे जो उस कंपनी के जो इंडियन जो शामनाथ के कोलीग्स हैं वो होंगे प्लस उनकी पत्नियां होंगी और कोई भी कभी भी किसी को बाथरूम जाना हो सकता है ऐसे में अगर वो माता जी से मिल गए तो फिर क्या इसी बात पे वो अब शामनाथ क्या है फिर से इरीटेट हो रहा है फिर से चिंतित हो रहा है फिर क्या है एक वो कुर्सी उठाता है वरांडा में डालता है जस्ट आउटसाइड मदर के कमरे के एंड ही सेज इधर आओ माँ आप बस क्या है चुपचाप इस कुर्सी पर बैठे रहिएगा उसकी माँ आती है अपनी माला लेती है दुपट्टा लेती है और वापस क्या है आके बाहर कमरे चेयर पे बैठ जाती है नॉट लाइक दैट मादा यू डोंट सिट विद योर लेग्स आप दिस इज इंट अ चार पाए अगैन वही पॉइंट है माता जी क्या है देहाती बैकग्राउंड से है रूरल बैकग्राउंड से है इवन जब वो कुर्सी में बैठती है वो क्या चौकड़ी मार के अपने पैर ऊपर लगा के बैठती है तो शामनाथ के लिए ये भी अब क्या है क्योंकि अगर वो उसके लिए अब हर चीज़ गलत है कि माता जी ऐसे क्यों बैठ रहे हो पैर नीचे रखो चार पाई थोड़ी है क्या गंवारो जैसे हरकतें कर रहे हो कुर्सी में कुर्सी की तरह बैठिए हिज मदर पुट पुटर लेग्स डाउन एंड फॉर गॉड सेक डोंट वॉन्ट अराउंड बेर फुट नंगे पैर मत चलो कम कम से कम जब कोई बाहर से आता है उनके सामने कम से कम क्या है एक चप्पल डाल लिया करो अपनी और क्या है हाँ जो लोगों के सामने अपनी जो वुडन खड़ाओं जो बोलते थे जो लकड़ी के जो सैंडल वो मत डाला करो ढंग की चप्पल डाला करो किसी ना किसी दिन मैं आपके खड़ाओं बाहर फेंक दूंगा माता जी कुछ नहीं बोलती है फिर अगला सवाल बिल्कुल जैसे बच्चों से नहीं बात होती है कि अच्छा कपड़े क्या पहनोगे आप माता कुछ भी बेटा जो भी मेरे पास है ही सिगरेट इन इज माउथ श्यामनाथ इज स्टिल स्मोकिंग मिस्टर शामनाथ वॉश द्रू हाफ क्लोज आइज एंड बिगैन टू कंसिडर अर अब माता को वो क्या है देख रहा है कि कैसे उनके वेश वेशभूषा ये सब शाम नॉट डिज़ायर्ड ऑर्डर इन एवरी क्योंकि हर चीज़ में उसे ऑर्डर चाहिए था रनिंग ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड वॉज इन इज हैंड्स पूरा घर की देख रहे, जो कैसा चलता है वो सब उसके हाथ में था कहाँ हुक लगने चाहिए कहाँ बेड होना चाहिए इनफैक्ट उसकी बीवी कौन सी साड़ी पहने किस रंग के पर्दे लगे घर में या फिर किस साइज़ का टेबल हो शामनाथ उस तरह का इंसान था उसे हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए थी उसी के चलते अब क्या है वो माता जी की ड्रेस भी डिसाइड करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है अगर माता जी बिल्कुल झल्ली होके आ जाए या दिख जाए तो उससे वो भी एक एम्बेरसमेंट या शर्म का सोर्स होगा तो उन्हें रिगार्डिंग हर फ्रॉम हेड टू टो तो सिर से नीचे तक वो देखता है अपनी माँ को और फिर बोलता है एक सफ़ेद सलवार और कमीज डालिए डाल आइए देखता हूँ मैं कैसी लगती हो चुपचाप से माता जी जाती है चेंज करके वापस आती है ही सेड अगेन इन इंग्लिश इंग्लिश में वो अपने आप से बोल रहा है शी इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम पीपल शुड स्पीक ओनली समथिंग सेंसिबल टू से इफ़ शी से समथिंग फुलिश एंड द बॉस टेक्स ऑफेंस दैन द होल इवनिंग विल बी स्पॉइल्ड तो सब कुछ क्या है अमेरिकन बॉस को इम्प्रेस करने के लिए हो रहा है कि अगर माता जी ने कुछ क्या है बिना सोचे समझे कुछ बेवकूफाना बोल दिया और बॉस अगर बुरा मान गया फिर तो क्या है पूरी शाम ही बर्बाद हो जाएगी उनकी फिर माता जी आती है सफ़ेद सलवार कमीज रह कर, रादर शॉर्ट्स वॉडल्ड इन व्हाइट अ स्मॉल श्रिवल्ड बॉडी अब होता है उम्र के साथ साथ शरीर भी थोड़ा सिकुड़ने लग जाता है क्लाउडी आइज़ आँख में मोतियाँ ये सब आने लग जाता है क्लाउड्स बनने लग जाते हैं लेंस में एंड ओनली हाफ ऑफर थिंग हेयर हिडन बायर दुपट्टा बाल भी क्या है झड़ रहे हैं दुपट्टे से आधे ढके हुए हैं बट लेकिन फिर भी क्या है सफ़ेद सलवार कमीज में वो पहले से कम अगली लग रही थी कम बदसूरत लग रही थी देर दैट्स ऑल राइट इफ़ यू हैव एनी बैंगल्स और ब्रेसलेट्स देन वेयर देम टू दे इज नो हार्म अगर कुछ क्या है चूड़ियाँ यह सब है ये भी डाल लीजिए वेयर वेल आई फाइंड बैंगल्स बेटा यू नो दैट आई सोल्ड ऑल माई सोल्ड ऑल माई ऑर्नामेंट्स टू पे फॉर योर एजुकेशन कहाँ से लाऊँ मैं चूड़ियाँ बेटा वो सब तो मैंने तुम्हारी एजुकेशन के लिए सब खर्च कर दिया था दिस सेंटेंस पियर्स शामनाथ लाइक एन ये वाक्य माता जी के मुंह से श्यामनाथ को क्या है एक तरह से तीर की तरह चुभा और एकदम गुस्से से वो कहता है वाई टच ऑन डैट ये सब बात करने की क्या जरूरत है सिंपली बोलो कि आपके पास जेवर जेवरात नहीं है बस ये सब बोलने की क्या पुरानी बातें करने की क्या है मेरी पढ़ाई की बात निकालने की क्या ज़रूरत है वॉट एवर ज्वेलरी वॉज सोल्ड आई हैव मेड समथिंग ऑफ माई सेल्फ है टी जो भी तुमने क्या है अपने जेवरात बेचे मैंने उसका इस्तेमाल किया ना मैं कुछ बना हूँ एक बड़ा आदमी बन गया हूँ आई डिट कम बैक अ फेलियर वट एवर यू गिव टेक ट्वाइस इज मच बैक जितना तुमने उस समय दिया था लो डबल ले लो मेरे से मे माई टंग बर्न बेटा मेरी जीप जल जाए क्या मैं तुमसे अब जेवरात लूँगी इट जस्ट लिप ड आउट मेरे जीप मेरे मुँह से निकल गया अगर होती तो मैं ज़रूर डाल देती इट वॉज ऑलरेडी हाफ पास साइब अब क्या है अब साढ़े पाँच हो चुके हैं अभी तक मिस्टर श्याम स्टिल हैड एंड बेद अभी उन्हें नहाना है तैयार होना है मिसिज शामनाथ भी क्या है अपने कमरे में जा चुकी थी तैयार होने के लिए एर शामनाथ लेफ्ट ही ये वन मोर पीस ऑफ एडवाइस टू हिज मदर अपनी माता जी को एक और सलाह दी क्या मदर डोंट से डमली लाइक यू डू एवरी डे इफ़ द साहिब कम्स दिस वे एंड आस यू एनी थिंग देन आंसर इम प्रॉपरली बिल्कुल जैसे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के साथ जो बिहेवियर होता है वो अपनी माँ को क्या बोल रहा है जैसे चुपचाप आप बेवकूफ़ों की तरह डमली बैठी रहती हो वैसे मत बैठना अगर साहब आते हैं कुछ तुमसे पूछते हैं तो अच्छे से जवाब देना माता जी क्या बोलते हैं बीन टू स्कूल और लर्न टू राइट बेटा व्हाट कैन आई से टू हिम यू टेल हिम दैट आई एम इलिटरेट आई डोंट नो एनी देन ही वॉन्ट आस्क मी वो सिम्पली बोले बेटा देखो मैं तो अनपढ़ हूँ तुम अपने बॉस को बोल देना कि ये इन्हें कुछ नहीं आता है तब शायद वो मुझसे बात ही ना करें बाय द टाइम इट वो सेवन ओ क्लॉक हिज मदर्स हार्ट वॉज पाउंडिंग अब क्या है सात हैं और अब क्या है माता जी भी बहुत परेशान है क्योंकि उनके अंदर भी अब ये बॉस का डर डाल चुके हैं इफ़ द बॉस केम एन आज द क्वेश्चन वाट गुड शी रिप्लाई एक इंग्लिश मैन जो क्या है दूर से और वो भी अमेरिकन उसके पास आएगा और कुछ सवाल देगा वो किस अगेन गाँव से है ट्रेडिशनल औरत है बेचारी धार्मिक औरत है उनके कल्चर में शायद पराए मर्द से बात करना भी गलत है लेकिन अब वो ये सब में फंस गई है कि बॉस अगर आके उससे कुछ बात करेगा तो क्या जवाब दे पाएगी गुडनेस नोज वॉट ही वुड से क्या बोलेगा और वो क्या कहे शी वॉन्टेड टू गो क्वाइटली टू द हाउस ऑफ और विडोड फ्रेंड हु लिव्ड बिहाइंड बिहाइंडम बट हाउ कुड शी डिस सन वो भी क्या है जो उनकी एक मित्र थी जो पास में एक विडोड फ्रेंड एक बेवा औरत जो जिनके पति मर गए हैं वो चाहती थी वो चुपचाप उनके घर चले जाए लेकिन हाउ कुड शी डिस हर सन लेकिन वो अपनी बेटे की बात को कैसे ना माने शी सिटिंग ऑन द चेयर विद हर लेग्स हैंगिंग डाउन और छोटी औरत है कुर्सी बड़ी है जब वो कुर्सी पे बैठती है और उसे कहा गया है कि ढंग से बैठो पैर नीचे करके तो उनके पैर ज़मीन पे भी नहीं पहुँच रहे तो वो चुपचाप कुर्सी में बैठी है विद हर लेग्स हैंगिंग डाउन अब क्या है नेक्स्ट अब ये कहानी आगे बढ़ती है नेक्स्ट प्लॉट पॉइंट अब पार्टी शुरू हो चुकी है लोग आ गए हैं अ सक्सेसफुल पार्टी इज़ अ पार्टी इन विच द ड्रिंक्स आर सक्सेसफुली सर्वड अ मॉडर्न पार्टी है अच्छी पार्टी वही होती है जहाँ पे क्या है ड्रिंक्स दारू ये सब अच्छे से सर्व की जाए शामनास पार्टी हैड बिन बिगन टू टच द समिट ऑफ सक्सेस एक बहुत ही सक्सेसफुल पार्टी होती है यानी कि हर कोई अच्छे से खा पी रहा था तो कॉन्वर्जेसन ऑज फ्लोइंग स्विफ्टली एज द ग्लासेज वो बीग फिल्ड जितनी जल्दी से ग्लासेज वापस रीफिल होते वैसे ही बातचीत भी बहुत अच्छे से चल रही थी देर ऑज़ नो हिंड्रेंस कोई रोक टोक नहीं थी द साहिब एड लाइक द विस्की अमेरिकन साहिब को विस्की पसंद आई मेम साहब को उनके जो पत्नी को कर्टन्स पसंद आए सोफा का डिज़ाइन पसंद आया सिटिंग रूम पसंद आया वॉट मोर कुड दे वॉन्ट श्यामनाथ और उसकी पत्नी और क्या चाहते तो थे यही तो चाहते थे फ्राम ओनली द सेकेंड राउंड ऑफ ड्रिंक्स द साहिब हट बिगन टू मेक जोक्स एंड टेल स्टोरीज सेकंड राउंड अब दूसरा राउंड ही चला था दूसरा ग्लास चला था ड्रिंक्स का कि साहिब ऑलरेडी कहानियाँ सुनाने लग गए चुटकुले सुनाने लगे यानी कि जो अमेरिकन बॉस है वो कम्फर्टेबल हो गया उससे पार्टी पसंद आ रही थी और इसीलिए दोनों मियाँ बीवी खुश थे अब जैसे यहाँ पर भी आप आस पास देखते हैं हमारी सरकार में भी इवन क्या ये जो साहब गिरी वाला कल्चर है कल को आपके गाँव में अगर जैसे कोई मंत्री या ये सब कोई एस डी एम एम जो भी एक्सन आ जाते हैं तो हर कोई उनकी खातिरदारी में लग जाएगा कि साहब को क्या पसंद है ये वो तो इसी तरह की चीज़ें चल रही इधर भी ही वॉज बींग एज फ्रेंडली हेयर एज ही वॉज ऑल इंस्पायरिंग इन ऑफिस तो जैसे ऑफिस में वो एकदम बॉस डरावना सा रहता था लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंडली था एंड इज़ वाइफ इन अ ब्लैक गाउन विद द स्ट्रिंग ऑफ वाइट पर्ल्स एट अ थ्रोट एंड सैचुरेटेड इन सेंट एंड पाउडर वॉज अ सेंटर ऑफ एडोरेशन फॉर ऑल द इंडियन वुमेन और वैसे ही उनकी पत्नी एक ब्लैक गाउन में और मोतियों का हार डाले हुए सेंट पाउडर लगा के वॉज द सेंटर ऑफ अडोरेशन वो आकर्षण का एक स्रोत था औरतों के लिए क्योंकि जैसे कि जैसे ही जो सारे मर्द अमेरिकन बॉस की तरह बनना चाहते थे वैसे ही सारी औरतें उनकी पत्नी की तरह बनना चाहती थी और अगेन ऑल ऑफ दिस वी कैन अगेन ट्रेस इट बैक टू जो कोलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद बोलते हैं जब क्योंकि क्या है ब्रिटिश रूलर्स थे अब जो हाई क्लास वाले तब सारे ब्रिटिशर्स से इंग्लिश में बात करने वाले तो जाहिर है हम लोग भी उनके जैसा बनना चाहते थे जो कि अभी तक चल रहा है इंग्लिश में बात करना पैंट सूट डालना उनके जैसे शोज देखना हॉलीवुड मूवीज देखना तो इन्हीं चीज़ों की ये थीम्स चले हैं एट एवरी थिंग शी लव एंड नॉडेड एंड शी वज चैटिंग विद शामनाथ वाइफ एज इफ़ एन ओल्ड फ्रेंड बॉस की पत्नी शामनाथ की पत्नी से ऐसे बात करती जैसे वो बड़े पुराने मित्र और इसीलिए सब खुश हैं एंड इन दिस फ्लो ऑफ ड्रिंकिंग एंड ऑफरिंग ड्रिंक्स द क्लॉक हैड स्ट्रक हाफ पास टेन दे हैड नो आइडिया वेद द टाइम हैड गॉन जो कि होता है अब अगर अच्छा चल रहा हो सब कुछ तो पता ही नहीं लगता टाइम कैसे निकल रहा है तो अब साढ़े दस हो चुके हैं ड्रिंक्स हो रहे हैं फाइनली एवरी वन ड्रेन द लास्ट ड्रॉप फ्रॉम दियर ग्लास रोज फॉर डिनर एंड लेफ्ट सिटिंग रूम शामनाथ वॉज इन फ्रंट शोइंग द वे बिहाइंड हिम द बॉस एंड द अदर गेस्ट अब क्या है ड्रिंक्स ख़त्म हो गए हैं साढ़े दस हो रहे हैं सब अब डिनर के लिए अंदर सिटिंग रूम या ड्राॅइंग रूम में जा रहे हैं Stepping onto the veranda, Shyamnath suddenly stopped dead. What he saw made him stumble, and in a moment his intoxication took flight. On the veranda, right in front of her room, his mother was sitting on her chair, just as she had been. But both her feet were on the seat of the chair, and her head was lolling from side to side, and from her mouth issued loud snores. And when her head fell to one side and stayed in the same position for some time, her snores became even deeper, and after she woke with a jolt, her head began to loll from side to side once again. हर दुपट्टा हेड स्लिप फ्रॉम हाफ बॉल्ड हेड तो अब जैसे जैसे शामनाथ अब सब कोई दारू पी रखा है एवरी वन इज अ गुड मूड अब डिनर के लिए जा रहे हैं लेकिन चलते चलते एकदम शामनाथ सडनली स्टॉप डेड रास्ते में रुक गया क्यों क्योंकि जो उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सामने उसके बैठा हुआ था क्या हुआ एकदम से इन अ मोमेंट इज़ इंटॉक्सिकेशन टॉक्सिकेशन टुक फ्लाइट उसका सारा नशा उड़ गया क्यों क्योंकि जैसे वो वरांडा से निकल रहे थे माता जी वहीं पे बैठी हुई थी अपनी कुर्सी पे जैसा उसने बोला था लेकिन वो भूल गया था उसे अंदर जाने के कहने के लिए और माता जी कैसे बैठी है वापस उनकी दोनों पैर कुर्सी में बैठी है चौकड़ी मार के बैठी है हेड वॉज लॉलिंग फ्रॉम साइड टू तो साइड उन्हें नींद आ रही है तो सिर क्या है कभी इधर घिर रहा है कभी उधर घिर रहा है और साथ ही साथ शी स्नोरिंग बहुत ही ज़ोर जोर से खराटे भी ले रही हैं और ऐसा चलते चलते और साथ ही उनका दुपट्टा भी थोड़ा स्लिप हो गया उनका आधा गंजा सर भी दिख रहा है और ये सब देख कर शामनाथ बिल्कुल गुस्से में पागल हो गया ही उसका मन तो किया वो उसे उन्हें अभी उठा कर एकदम घसीटते हुए वापस उनके कमरे में जाकर फेंक दे लेकिन क्योंकि बॉस और बाकी के गेस्ट थे तो ऐसा नहीं कर पाए वेन द सॉ इज मदर सम द वाइज ऑफ द इंडियन ऑफिशियल बिगैन टू गिगल बट देन दॉस सेट क्वाइटली पुअर डियर तो क्या है बाकी जो औरतें हैं जो इंडियन औरतें हैं जो वाइफ है वो सब हंसने लग जाती क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि क्या हो रहा है स्रोत क्योंकि शायद अगर उनके घर में पार्टी होती और उनके भी घर पर ऐसे बूढ़े होते तो वो भी ऐसा ही शायद करते तो उन्हें सब पता है क्या हो रहा है बॉस लेकिन को शायद कुछ सहानुभूति आती है एंड ही सेज़ पुअर डियर एट वंस मदर हेस्टली स्टिली सैटअप स्टेट जैसी आवाज़ आती है मदर एकदम सीधा उठ के डर के मारे बैठ जाती है सींग सो मैनी पीपल इन फ्री वॉज अलाम इतने लोग देख कर वो बिल्कुल डर जाती कुछ नहीं बोल पाती वो जल्दी से अपना दुपट्टा लेती वापस अपना सर ढकती है और खड़े होकर जमीन को देखने लग जाती है और बिल्कुल कांप रही है वो एक तरह से डर से मदर गो एंड स्लीप Why यू you लेट एंड लुक And looked लेट तो क्या है शामना थोड़ा उनको बोलता है कि जाइए सो जाइए बट देर वॉज अ स्माइल ऑन हज बॉस ऑन द बॉस फेस फ्रॉम वेर यूज स्टैंडिंग नमस्ते लेकिन क्या है बॉस के चेहरे पे एक मुस्कान थी और वो उनकी माँ को नमस्ते कहते हैं हेजिटेटिंगली बड़ी झिझक से श्रिंकिंग इन शर्म के मारे माता जी भी अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करती है. है और लेकिन क्या है उसमें जल्द हड़बड़ाहट में उनके हाथों के बीच उनका दुपट्टा रह जाता है और शामनाथ को इससे भी इरीटेशन हो जाती है लेकिन तब क्या है बॉस क्या करता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है और माता का हाथ वो ही वॉन्ट्स टू शेक हर हैंड माताजी डर जाती है मदर शेख हैंड जैसे बच्चे होते हैं ना कि बेटा शेख हैंड्स करो वैसे ही ले, लेकिन हाउ कुड शी शी हैड द प्रेयर बीड्स इन राइट हैंड इन अर कन्फ्यूजन शी पुट लेफ्ट हैंड इन द सािब शामनाथ नाथ बिगैन टू बर्न इन साइड द वाइफ ऑफ द इंडियन ऑफिसर्स टिटर्ड लेकिन वो कैसे हाथ मिलाती उनके राइट हैंड में क्या है उनकी माला थी तो इसी कन्फ्यूजन में वो अपने बाएं हाथ से शामनाथ के बॉस का हाथ मिलाती है शामनाथ आग बबूला हो जाता है बहुत गुस्से से और इसी के चलते चलते जो सारी वहाँ औरतें हैं वो हंसने लग जाती है नॉट लाइक दैट मदर यू नो यू शेक हैंड्स विद योर राइट हैंड गिव हिम योर राइट हैंड अपना राइट हैंड दीजिए बट बॉस चाहे थोड़ा अलग इंसान है वो क्या है लेफ्ट हैंड से ही माता जी का बड़े अच्छे से हाथ मिलाता है और फिर इंग्लिश में कहता है हाउ डू यू डू टेल हिम मदर माता बोलो आई एम फाइन आई एम वेल हिज मदर मटर्ड समथिंग वो कुछ कुछ बड़बड़ा देती है मदर इज सेइंग दैट शी इज़ फाइन गो ऑन मदर हाउ डू यू डू हाउ डू डू वो बिचारी बोलती है एंड देर वॉज अ पील ऑफ लार्टर सब हंसते हैं दै एटमोसफेयर बिकेम लेस टेंस तो कहीं ना कहीं जो क्या है टेंशन थोड़ी ख़त्म होती है इस हंसी के बीच द तो साहिब एट टेकन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन जिस स्थिति का यानी जो सबसे बड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम था इस कहानी का कि अगर बॉस और माता जी आमने सामने आ जाते तो क्या होगा शर्म होगी ये होगा अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका है और ऐसा कुछ नहीं हुआ बॉस एक तरह से उन्होंने वो टेंशन हटा दी सिंपली माता जी से अच्छी से बात की और हंसे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो चुकी थी पीपल वी गैन टू लाफ एंड जोक वापस लोग अपने एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे और शामनाथ क्या है कुछ कम परेशानी हुई उसे द साहिब वॉज स्टिल होल्डिंग ऑन टू मदर्स हैंड एंड मदर वॉज कवरिंग विद एम्बेरसमेंट दे स्मेल ऑफ एल्कोहल कमिंग फ्राम द साहिब माउथ तो वही देहाती रस्टिक वमेन पुराने ख्याल की औरत एक तो क्या है पराय मर से उन्हें हाथ मिलाना पड़ रहा है अभी तक वो हाथ पकड़ के बैठा है और ऊपर से दारू की स्मेल आ रही है उसके मुँह से शामनाथ से माई मदर कम्स लिव देर हर होल लाइफ अब वो कुछ तो समझा रहा है बॉस को इंग्लिश में कि हाँ गाँव से आई है वहीं रही है इसलिए क्या है आपसे झिझक रही है एट दिस है लॉट देन योर मदर मस्ट नो विज सॉन्ग्स एंड डांसिसप्पी एट हर नॉड इंग और अब इसमें क्या है आप जो कोलोनियलिज्म का दूसरा पहलू देख सकते हैं जब क्या है शहर से लोग आते हैं और कहते हैं गाँव के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं सिंपल होते हैं अरे गांव के लोग तो बस क्या है अच्छे गाने गाते हैं डांस करते हैं क्या आप हमें दिखाओगे जैसे क्या आपका गद्दी कल्चर देख रहे हैं जी हम अभी बस में बैठ कर आए हैं या फ्लाइट से आए हैं प्लीज़ आप लोग अपने गाने गाइए हम रिकॉर्ड करेंगे या फिर डांस करिए हमें देखना है तो कहीं ना कहीं अब बॉस का वो वाला एस्पेक्ट आगे आ गया रहा है अच्छा गाँव से आइए मुझे तो गाँव के लोग बहुत पसंद है प्लीज़ कुछ गाने बताइए ये सब मदर द साहिब इज आस्किंग यू टू सिंग अंग सम्ड सॉन्ग यू नो लॉस्ट टूट दैम हिज मदर रिप्लाइड सॉफ्टली हाउ कैन आई सिंग बेटा वैन हैव आईर संग मैं कब गाया है तुम्हारे सामने कभी गाया है क्या वाह मदर कैन एनी वन रिफ्यूज़ अ गेस्ट हमारे गेस्ट है अब क्या है जहाँ पे पहले एक बार बात हो रही थी कि माता जी को छुपा के रहना है लेकिन अब क्या है बॉस को माता जी पसंद आ गई है अब शायद माता जी अब इसलिए एक केंद्र बन गई हैं और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि माता जी बॉस से अच्छे से बात करें तो इसलिए हाउ कैन एनी वन रिफ्यूज़ अ गेट किसी गेस्ट को कोई मना करता है क्या साहब इतने खुश हैं प्लीज़ गाना सुनाइए वट कैन आई सिंग बेटा वट डू आई नो सम रियली गुड फोक सॉन्ग जो आपका जो लोकल सॉन्ग है पंजाबी वो दो पत्तरा नरा दे कुछ ऐसा गाना गाइए ना प्लीज़ एट दिस सजेशन द इंडियन ऑफिस एंडर वाइज बी गैन टू क्लैप मदर लुक डम्बली समटाइम्स है न, माता जी कभी अपने बेटे को देख रहे हैं कभी अपनी बहू को देख रही है उसके सामने सब ये जो अजनबी लोग हैं और सब क्या है तालियाँ बजा रहे हैं देख रहे हैं तो माता जी बिल्कुल अकेली खड़ी एंड दैट्स इज़ वाई देन शी फाइनली क्या है सन ऑर्डर करता है एक तरह से मदर सिंग आफ्टर दैट देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ आर्ग्यू अब क्या है कुछ बहस का क्योंकि गुंजाइश नहीं और वो बैठ कर अपनी बड़ी कमज़ोर पतली आवाज़ में एक पुराना वेडिंग सॉन्ग आती है हरियाणी माए हरियाणानी बहने हरिया थे भागी भरिया है लिसन डियर मदर लिसन डियर सिस्टर माई सन हरिया इज़ ट्रूली ब्लेस्ड द इंडियन वाइज ब्रोक इं टू लाफ्टर आफ्टर थ्री फेजेज मदर फेल साइलेंट उन्होंने तीन चार लाइने गाई और फिर वो शांत हो गई लेकिन पूरा वरांडा क्या है अप्लॉज तालियों से गूंज रहा था द साहिब जस्ट वुडेंट स्टॉप क्लैपिंग शामनाथ सनॉयस टर्नड इन ट जॉय एंड प्राइड हिज मदर हेड ब्रॉट न्यू कलर टू द पार्टी तो अब जो मेन प्रॉब्लम थी कि माता जी क्या है हमें बिल्कुल शर्म से हमारा सिर झुका देगी अगर वो पार्टी में आ गई लेकिन अब एक तरह से उल्टा हो गया है माता जी ने कहीं ना कहीं उस अनोयन शामनाथ की इरिटेशन को एक तरह से खुशी में तब्दील कर दिया गर्व में तब्दील कर दिया क्योंकि माता जी एक उस पार्टी को एक नया रंग ले आई अब क्या है बॉस और बाकी लोग और भी हंस खुल गए थे एक दूसरे से बात कर रहे थे तो एक तरह से पार्टी और भी सक्सेसफुल हो गई थी वेन द अपलॉज सबसाइडेड जैसे जैसे अपलॉज कम हुआ द बॉस आस्ट वट हैंडीक्राफ्ट डू यू हैव इन पंजाबी विलेजेस ऑब्वियसली अब क्या है गीत सुन लिए अब क्या है आपको हैंडीक्राफ्ट देखने की आपके वहाँ पे किस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो सिंपल कपड़ों की या लकड़ियों की इस तरह की वही जो दैट सेम शहर से आए हैं गांव के लोग देखने हैं सिंपल लोग देखने हैं और पूजा पाठ देखना है गाने सुनने हैं, और कुछ फिर वापस जाते हुए कुछ खरीद के जाना है कुछ टोकन या तो शॉल या कुछ इस तरह की चीज़ें है ना सो so, श्यामनाथ वो स्विंग वि जॉय अब तो श्यामनाथ क्या है खुश हो गए ओह लॉर्ड साहिब पंजाब के गाँव में बहुत हैंडी क्राफ्ट मिलते हैं मैं आपको एक पूरा सेट गिफ्ट कर दूंगा आपको बहुत खुशी होगी लेकिन द साहिब शिकजट सर नो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्राम अर शॉप नहीं नहीं मुझे दुकान का कुछ नहीं चाहिए मुझे तो ओरिजिनली चीज़ चाहिए पंजाबी घर की वट डू वेमेन मेक देम सेल्स वहाँ की औरतें खुद क्या बनाती हैं थिंकिंग अ लिटिल शामनाथ रिप्लाइड लड़कियाँ डॉल्स बनाती है और औरतें क्या है फुलकारी बनाती है अब फुलकारी क्या है बेसिकली um, एक तरह से एम्ब्रॉयडरी जो एम्ब्रॉयडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं जो सुई धागा का काम होता है अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं कपड़ों पे तो उसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो ये एक पंजाबी एक फुल फुलकारी uh, एक बेड शीट या फिर एक रुमाल टाइप की एक चीज़ है जिसपे बड़ी अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की होती है अलग अलग डिज़ाइन जैसे हाँ चंबा रुमाल है आपका दैट इज़ ऑल्सो एम्ब्रॉयडरी तो वैसा ही कुछ फुलकारी है सो so, वो अपनी माँ को कहता है जब वो नहीं समझा पा रहे माँ कहता है कोई पुरानी फुलकारी पड़ी है घर पर तो अपनी एक लेकर आती है और दिखाती है साहब अच्छे से उसको बड़े अच्छे से देखते हैं उस एम्ब्रॉयडर क्लॉथ को काफ़ी पुराना था कहीं कहीं थ्रेड टूट रहे थे तो सींग शामना सजेस्टेड दिस वन इज टॉन साहेब आल गेट न्यू वन मेड फॉर यू मदर विल मेक इट वाह मदर द साहिब लाइक्स यो फुलकारी वेरी मच यू विल मेक वन जस्ट लाइक दिस फॉर हिम वॉन्ट यू अब कहाँ वो पहले माता जी को छुपा रहे थे क्या क्या बोल रहे थे लेकिन अब क्या है अरे अरे मेरी माता जी ये तो पुराना है फुलकारी मेरी माता बनाएंगी बहुत अच्छे बनाती है साहब आपके लिए बिल्कुल हिज मदर वॉज साइलेंट देन शी इज सॉफ्टली एंड विथ रेपिडेशन बिल्कुल डर से बड़े धीरे से बोलती है लेकिन बेटा हाउ मच कैन आई सी नाउ हाउ कैन ओल्ड आई सी मुझे अब दिखाई नहीं देता मैं कैसे बनाऊँगी फुलकारी क्योंकि ऐसे जो जो एम्ब्रॉयडरी वाला काम है इस तब में क्या है बड़ा बारीकी काम होता है आँखों का बड़ा स्ट्रेस पड़ता है अब वो बूढ़ी हो गई उन्हें ढंग से दिखाई नहीं देता है बट इंटरप्टिंग इज मदर बिल्कुल अपनी माँ को बीच में ही रोक के वो कहते हैं शी विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू साहब आप चिंता मत करो वो बिल्कुल बनाएगी द साहिब नॉट इट थैंक डिम एंड सोइंग स्लाइटली मेड इज वे टूवर्ड्स द डाइनिंग टेबल तो ये था जो मेन जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट का जब माता जी और बॉस जो कि विलेन होना था लेकिन एग्जैक्टली exactly विलन तो नहीं बोल सकते हैं सामने सामने आते और उनकी बातचीत होती है साहब क्या है फाइनली फुलकारी का प्रॉमिस लेकर थोड़ा हिलते डुलते स्विंग स्लाइटली ही गोस टू द डाइनिंग टेबल और उनके पीछे पीछे बाकी गेस्ट भी चले जाते हैं अब क्या है इसी के बीच में चुपचाप औरत जो है जो ओल्ड लेडी अपने रूम में चले जाती है द मोमेंट शी सैट डाउन दियर हर आइज फ्लडेड विथ टीयर जैसे वो अपने कमरे में अकेले आती है वो बिल्कुल रोने लग जाती है शी वाइट डैम अगेन एंड अगेन विद द दुपट्टा बट अगेन एंड अगैन दे फील्ड बार बार वो अपना क्या है पूछती है आंसू लेकिन बार बार पाँसू आते रहते हैं एज इफर डैम हैड बर्स्ट आफ्टर मेनी ईयर जैसे कि जो उनके अंदर एक क्या है एक बांध था जो इन इमोशंस को पकड़ के रखा था लेकिन वह बांध हम फाइनली का बड़े सालों बाद फट चुका था टूट चुका था और अभी आंसू का सैलाब जो इतने समय से शायद उनके साथ जो दुर्व्यवहार या फिर अत्याचार हो रहा था श्यामनाथ के द्वारा वो सब फाइनली आज उनके क्या है आंसू के रूप में निकल रहा था शी ट्राइड टू कंट्रोल हर सेल्फ शी जॉइन डर हैंड्स टुक द नेम ऑफ गॉड प्रेड फॉर लॉन्ग लाइफ फॉर हर सन बट हर टीयर्स व लाइक मानसून रेन दैट वुड नॉट सीज प्रार्थना भी करती है बेटे के लिए लेकिन उनके क्या है आंसू मानसून Mon की वर्षा की तरह जो ख़त्म ही नहीं होती अब क्या है पार्टी खत्म हो गई है इट मस्ट है मिडल ऑफ द नाइट आध अर्ध रात्रि कुछ बारह बज चुके हैं गेस्ट एडिटन एंड लेफ्ट वन बाय वन एक एक करके सारे गेस्ट जा चुके थे श्योर सिटिंग लीनि अगेंस्ट द वॉल स्टेयरिंग एट एड वो चुपचाप अपने कमरे में है टेंशन इन द हाउस एड रिलैक्स जो एक माहौल बना हुआ था द स्टिलनेस ऑफ द सराउंडिंग लोकेलिटी है शामनाथ होम टू अब बाकी की कॉलोनी की तरह है. शामनाथ का घर भी बिल्कुल शांत हो गया था जो अभी तक रौनक लगी हुई थी ओनली द क्लिंकिंग ऑफ क्रॉकरी वॉज क्रमिंग फ्राम द किचन बस क्या है जो बर्तन वगैरह अब समेटे जा रहे हैं उनकी आवाज़ आ रही है तभी क्या है एक उनके माता जी के कमरे पर एक दस्खत होती है सम वन लॉक्स मदर ओपन द डोर हर हार्ट सैंक उनका फिर दिल डूब जाता है अब क्या बोलेगा यानी बेटा अब क्या डांटेगा शायद कुछ गलती हो गई मुझसे वाई हर्षी वो क्यों क्यों मैं सो गई क्यों मैं सोई ये सब करते करते क्या मेरा बेटा मुझे माफ़ करेगा बिल्कुल डरते हुए बेचारी माता जी जाती है और दरवाज़ा खोलती है एंड द मोमेंट शी ओपन डट शामनाथ स्टेप फॉरवर्ड एंड टू खर इन टू इज एम्बरेस एम्बरेस लेकिन क्या है बिल्कुल जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अब शामनाथ आगे बढ़कर माता जी को गले लगाता है ओ मम्मी यू रियली डिड वंडर्स टू नाइट द साहिब वॉज सो डिलाइटेड आई कान टेल यू ओ अम्मी अम्मी अब क्या है इंग्लिश में भी मम्मी बोल रहा है हिंदी में भी अम्मी निकल रहा है इसके मुँह से क्योंकि क्या है अब खुश हो गया है माता जी ने तो पार्टी की बिल्कुल सक्सेस कर दिया His mother's slight body crumpled and was hidden in his embrace. Tears again welled in her eyes. Wiping them, she said, "Beta, send me to Haridwar. I've been telling you for so long." जब माता जी ने देखा कि उसका बेटा का खुश है उनसे तो उन्होंने एक क्या है बड़ी अपनी एक इच्छा जाहिर की कि बेटा मैं कब से बोल रही हूँ मुझे हरिद्वार भेज दो लेकिन शामनाथ एकदम से शामनाथ की खुशी फिर क्या है बिल्कुल बंद हो जाती है और वह वापस उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है और वो उसे अपने Uh, बाहों से छोड़ता है और कहता है क्या कहा वट डिड यू से वट यून स्टार्टेड ऑन नाउ अब ये क्या आपने नया राग लगा दिया है शामनाथ सैंगर बिगैन टू बिल्ड अप फिर से वो गुस्सा उसका बढ़ रहा है एंडी वेंट ऑन यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस मी सो दैट द वर्ल्ड विल से दैट आई कूडेंट कीप माई मदर विद मी क्या है माता को बोल रहे तुम क्या है लोग बोलेंगे कि वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख पाया बूढ़ी माँ को हरिद्वार भेज दिया तो वही माँ क्या चाहती है उससे नहीं फ़र्क पड़ता है फ़र्क ये पड़ता है कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं और जो कि आप हमारे समाज में भी ये चीजें इट्स नॉट जस्ट ये किताब की बातें नहीं ये चीजें हमारे आसपास भी हो रही हैं आप लोग देखते ही होंगे ये सब हैं नो no, बेटा नाउ यू लिव विद योर वाइफ जस्ट एज यू लाइक आई हैव डन विद फाइन फूड एंड क्लोथ नाउ वॉट विल आई डू हेयर फ्यू डेज ऑफ लाइफ आई हैव लेफ्ट आई विल रिमेंबर नेम यू सेंड मी टू हरिद्वार बेटा क्या है तुम मियाँ बीवी बार जैसा मर्जी रहना चाहते हो रहो मुझे अब ज़्यादा ना कुछ कपड़े चाहिए ना कुछ खाना चाहिए अच्छा बस मुझे क्या है चुपचाप अब जो थोड़े बहुत जीवन के दिन बचे हैं मुझे हरिद्वार जाने दो ईश्वर का नाम लेने दो बस फिर क्या है असली बात आ जाती है अगर तुम चले जाओगी तो बॉस के लिए फुलकारी कौन बनाएगा तुम्हारे सामने ही तो मैंने बॉस को बोला कि आप फूल आई डोंट हैव अईज बेटा टू बी एबल टू सू अ फुल कार यू हैव इट मेड समवेर एल्स गेट वन रेडी मेड बेटा कहीं से बनवा दो ना मेरे से नहीं हो पाएगा मेरी आंखों में दर्द है मदर आई यू गोइं टू लेट मी डाउन एंड लीव माँ क्या तुम क्या है मुझे ऐसे तुम मेरा साथ छोड़ दोगी आर यू गोइन टू रू इन माई फ्यूचर सक्सेस मेरा क्या भविष्य तुम खराब कर दोगी तुम्हें पता नहीं है कि अगर साहब को मैंने खुश कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिलेगा माँ शांत हो गई देन लुकिंग एट हर सन शी आस्ट विल यू बी प्रमोटेड विल द साई प्रमोट यू क्या कुछ बोला क्या उन्होंने ऐसा क्या वाकई में बोला है ही हैजेंट सेड एनी थिंग बट डोंट यू सी हाउ डिलाइटेड ही वॉज ही वॉज बिगिन एम्ब्रॉइडिंग द फुलारी कम टू सी हाउ यू डू इट इफ यू मेक द साइव हैप्पी आई कैन ईवन गेट अ बेटर जॉब देन दिस आई कैन बी अ सीनियर एग्जीक्यूटिव तो ये अभी तक अब आप, आपको हमको आप कहानी अब जैसे जैसे खत्म हो रही है अब जाके हम पता चलता है ऐसा बॉस ने कुछ बोला भी नहीं है सिंपल एक डिनर पार्टी थी ये सब ख्याली पलाव कहीं ना कहीं श्यामनाथ खुद से ही बना रहा था कि नहीं नहीं किसी तरह बॉस को खुश कर दिया तो प्रमोशन हो जाएगा क्या पता इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा फुलकारी दूंगा तो ये सब होगा और कहीं लेकिन ऐसा कुछ बॉस ने ना बोला है और इसकी कोई गारंटी है तो वही है जैसे यहाँ पे भी होता ही ऑफिस में बॉस को पटाने की कोशिश रहती है सब लोगों की तो यही सब चल रहा है हिज मदर्स कम्पलेक्शन बिगैन टू चेंज धीरे धीरे उनके चेहरे का जो कम्पलेक्शन एक्सप्रेशन वो सब बदला ग्रेजुअली हर लाइंड फेस बिगैन टू रिवील हर रेडियंस अ स्लाइड ग्लीम केम टू अराइज वापिस उनके चेहरे में एक चमक आने लग गई माँ का दिल जो कहते हैं वो अपने बेटे के बारे में अब भी सोच रही है सो विल बी प्रमोटेड तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा कैन इट हैपन ऐसी थोड़ी मिल जाएगा अगर साहब को खुश करूँगा तुम फुल करी बना के दोगे तभी मिलेगा ना नहीं तो लोगों की कमी तो है नहीं उन्हें खुश करने के लिए ठीक है बेटा देन आई विल डू इट हाउ एवर इट है भी करना हो मैं किसी तरह वो फुलकारी बनाऊंगी एंड इन अर हार्ट शगेन लॉन्ग फॉर ब्राइट फ्यूचर फॉर हर सन वापस वो अपने मन में क्या है अपने बेटे की सक्सेस के लिए भविष्य के लिए सोचने लग गई जो कि वाइल्ड मिस्टर श्यामनाथ स्टम्बलिंग अ लिटिल थोड़ा लड़खड़ाते हुए क्योंकि दारू पी रखी है कहते हैं नाउ गो टू स्लीप टर्न टूवर दिज ओन रूम लास्ट ऑर्डर क्या है माता जी को दे दिया ठीक है मान गए ना फुलकारी बनाओगे जाइए अब सो जाइए सो एज आई सेड दैट्स अ स्टोरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी प्लीज लुक एट द क्वेश्चन तो वही है ट्रेडिशन परंपरा एक तरफ है मॉडर्निटी दूसरी तरफ है और जनरेशन गैप और इस सब के बारे में बात है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूजली इस चैप्टर चा, से आता है कि क्या है बॉस के किरदार के बारे में कुछ बताइए क्या वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है एक तरफ से क्या है ऐसा कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से बनाया जा रहा था कि, कि वो माता जी को मजाक उड़ाया ऐसा तो कुछ हुआ नहीं इनफैक्ट उसका माता जी से व्यवहार बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी उसकी भी कुछ अपनी दिक्कतें थी उसे क्या है बस अपना अमेरिकनपन देखना है उसे नहीं फ़र्क उसने उसके मन में दारू पी रखी ये सब नहीं आया कि माता जी क्या सोच रही है क्या वो बना पाएगी नहीं उसे बस क्या है गाना सुनना है और फुलकरी चाहिए और फिर वो चला जाएगा और फाइनली प्रमोशन मिले भी ना मिले वो सब तो शामनाथ ही और उसके बॉस जाने